नीचे तो मैं क्या करूँ भाई, थोड़ा पिछले ना दो सालों से करते आ रहे हैं एंड जैकलीन मुझे आई डोंट माइंड कोटिंग इट एंड सेइंग दैट शी इज आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इतने मेरे करियर में मैंने देखा है एंड नाउ व्हेन आई एम डायरेक्टिंग दिस फिल्म कॉल्ड बागी इट्स कॉल्ड लॉट ऑफ एक्शन तो एक गाना तो बनता ही था तो कौन सा गाना था देन आई डिसाइडेड इट शुड बी एक दो थी देन आई स्पोक टू माय प्रोड्यूसर सनम भाई सतीश नलिया वाला एंड ही सेड देखिए बाबा सही जगह हाथ डाल रहा है क्या आई सेड आई एम श्योर कि इस पिक्चर में गाना सही जाएगा मुझे पता है कि जैकलीन विल डांस द बेस्ट वे अब इसे कोरियोग्राफ कौन करेगा तो आई सेड कोरियोग्राफ तो चलो अभी पता नहीं आई हैव लॉस्ट ग्राउंड इन कोरियोग्राफी बाकी इज टेकन अ लॉट फ्रॉम मी इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड जैकलीन मेरा पैर हमेशा हिट रहा है लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स सो दिस टाइम आई सेड जैकी मैं हूँ वी ऑल आर देयर बट देन वी रिक्वेस्टेड माय डियरेस्ट क्यूटेस्ट लविंग फ्रेंड गणेश टू स्टेप इन एंड टेक द बॉल रोलिंग सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो गाना अहमद ढिल्लो ने चूज किया एक दो तीन इस गाने में मैं ग्रुप डांस करता हूँ सरोज जी मुझे कहा अहमद ने कि गणेश सबसे पहले तो मुझे अहमद गणेश बोलता नहीं गण्या बोलता उससे मासी इन लोग मासी तो मतलब साथ में हम लोग आए दोस्त थे मतलब मैं अहमद हम लोग मतलब साथ में एक ही बिल्डिंग में रहते थे और बहुत ही मतलब पास में तो बोला गाना करना है और एक दो दिन करना है एक दो दिन गाना करना है जिसमें मैं ग्रुप में था और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि सरोज जी ने किस तरह से माधुरी को कोरियोग्राफ किया था एक एक मूवमेंट तो बहुत ही चैलेंज था मेरे लिए कि ये गाना कोरियोग्राफ करना लेकिन जब मुझे अहमद ने कहा कि जैकलीन कर तो मैं बहुत खुश हुआ हैप्पी किसी तरह का कोई प्रेशर था कि इतने बड़े आइकॉनिक सॉन्ग पे आपको परफॉर्म करना है लोग कंपेयर भी करेंगे माधुरी दीक्षित के साथ ये ऑब्वियस चीज है तो उसके बारे में कुछ बताओ And I understood, it made it a lot easier for me when I understood that it's not possible, you know, we're not
not trying to match up to what Madhuri Dixit did. We're not trying to match up to what Sarojji did. We are honestly here as fans, big fans of their work. And this is honestly, more than anything, a tribute to the amazing, iconic number that they gave to us, which is 814. And I mean, it's for me as an actress, I know this is such an honor. And I know a lot of actresses and all of my friends are like, we're so jealous to hear that you're doing 813 because it's so iconic. And for any girl, this would be a dream song to do. And I feel really blessed that I've been given this opportunity by Ahmed, by Nadia, to work with Master Z. And and I know that I will never ever be able to match up to Madhuri Dixit. That's not even something I'm going to even attempt, because you cannot replicate someone like Madhuri Dixit. There's only one Madhuri Dixit. But I know that I can. This is just my tribute. This is just my tribute to her. जरा जी जैसे कि ये सॉन्ग अहमद इस सॉन्ग के बारे में जो अगर आपने चूज किया तब व्हाट वे यू रियली वांटेड टू कीप सम थिंग्स विच कुड रियली रिलेट टू वो सॉन्ग को और वक्त के साथ साथ क्या क्या चेंजेस किया एक्चुअली उसमें दो चीजें बहुत अच्छी तरह याद है एक तो माधुरी मैम की वो पिंक आउटफिट जी फैशन वाली और दूसरा है तो आई जस्ट सेड कि आई टोल्ड धनिया मैं सेट बना दूंगा मैं लुक दे दूंगा लाइटिंग पर ध्यान दे दूंगा दो चीज मेरी रिक्वायरमेंट है एज अ डायरेक्टर एक है वो पिंक आउटफिट जो मनीष मल्होत्रा को मैंने कहा मनीष पिंक यार वो बोलता रहा नहीं मेरा मनीष दे मनीष ने दी एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू कीप सरोज जी जो मेरी गुरु रह चुकी है उनका आइकॉनिक सेट ये दो चीज हमें याद है एंड उसके बाद आप देखेंगे कि गणेश आचार्य ने इस गाने में खुद का एक जो तड़का डाला है विच आई एम नॉट अशेम्ड और आई वोंट रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग कुड बी द न्यू 1-2-3 आगे ले जाएगा एंड आई होप एंड आई प्रे दैट वी आर गिविंग द न्यू मोहिनी टू एवरीबॉडी ओह ग्रेट हाँ गणेश जी आप भी कुछ कहोगे इस बारे में Both of you also, like you said, that you both have been associated with the song. Sarojji has been your guru and you were there as a back dancer. So we also plan to show it to Sarojji and, see her feedback. We've actually, I mean, I've connected.